हे मावलामी, कैसे हैं आप सब? तो आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो इस वीडियो में ब्रेकडाउन करने वाले हैं ब्लैक विडो मूवी का ट्रेलर। टाइटल और थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा। तो दोस्तों, ये ट्रेलर काफ़ी इंतजार करवाया हम लोगों को, पर फिर भी ट्रेलर आ गया तो ब्रेकडाउन वीडियो तो बनता है। और इस वीडियो में ब्लैक विडो मूवी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्पॉयलर्स हो सकते हैं, सो प्लीज़ अगर आप अपनी मूवी स्पॉयल नहीं करना चाहते तो वीडियो छोड़ दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस, मार्वल के हिस्ट्री के हिसाब से ये ट्रेलर सुबह नहीं शाम को आना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों सुबह आ गया, इसलिए ब्रेकडाउन वीडियो लेट आ रही है। पर कोई बात नहीं, काम चला लो आप लोग। और हाँ, इस ट्रेलर की बात करें तो इस ट्रेलर में ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाया गया। जैसे कि मार्वल का इतिहास है, वो ट्रेलर की शुरुआत पास्ट के सीन से करता है, चाहे वो फर्स्ट टीज़र हो या सेकेंड टीज़र हो। एवेंजर्स एंड गेम के साथ भी कुछ ऐसे हुआ था और इसमें भी वही हुआ है, पास्ट के सीन से शुरुआत हुई है और ज़्यादा कुछ मूवी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है। और देखते हैं कि इस मूवी का ट्रेलर कितना रिकॉर्ड बनाता है। और साथ ही साथ इस मूवी के ट्रेलर में हम लोग को ब्लैक विडो के दो अनोखे और इंटरेस्टिंग सूट्स देखने को मिले, जो कि बहुत ही औसम है। एक वाइट कलर का है और दूसरा ब्लैक कलर का है। और साथ ही साथ इसमें शायद ब्लैक विडो मूवी के फैमिली का टीम अप भी देखने को मिलेगा, जिसका सीन बीच में था और वही मतलब ज़्यादा टाइम लेगा इस मूवी में के ट्रेलर में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो फॉर इट। सो हे गाइस, ट्रेलर की शुरुआत होती है एक सिटी की ओवरव्यू सीन के साथ, और जहाँ तक मुझे लगता है ये है बुडापेस्ट, क्योंकि ब्लैक विडो का जो पास्ट है और उसकी जो ट्रेनिंग है वो इसी सिटी से शुरू हुई थी। और फिर उसके बाद, जैसे कि मार्वल का इतिहास है, ट्रेलर के जो स्टार्टिंग के कुछ सीन्स होते हैं वो पास्ट से लिए जाते हैं, तो वही इस ट्रेलर में भी हुआ। और ब्लैक विडो अपने पास्ट के बारे में सोचती रहती है एक मिरर के सामने खड़े होकर। और जहाँ तक ये सोचने वाले सीन की बात करें तो ये कैप्टन अमेरिका के मिरर वाले सीन, जो कि एवेंजर्स एंड गेम में था, उसके आजू बाजू हुआ था, यानी कि उसके आसपास का इवेंट है ये। और फिर उसके बाद वो अपने कुछ दोस्तों को, जैसे कि निक फ्यूरी और जो उसके साथ ट्रेनिंग लिए थे मेंबर्स, उनकी और हॉकआई की याद करती है और बोलती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर मुझे ये जॉब मिली और फिर ये फैमिली। लेकिन ज़्यादा देर तक कुछ भी नहीं टिका। मार्वल स्टूडियोज़ का लोगो देखने को मिलता है, जो कि ब्लैक विडो स्टाइल में टर्न कर दिया गया था। ट्रेलर आगे बढ़ता है और बैकग्राउंड में कन्वर्सेशन चलती रहती है ब्लैक विडो और जनरल रॉस की। और हम लोगों को सीन देखने को मिलता है जनरल रॉस का, जो कि काफ़ी यंगर एज के दिख रहे हैं, मतलब कि वो शायद आयरन मैन 1 या कि 2008 की टाइमलाइन का है। और इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रही होती है वो ये है कि जनरल रॉस कहते हैं कि मुझे लगा तुम जल्दी में हो, तो ब्लैक विडो कहती है कि ये उन दिनों आसान नहीं था। फिर जनरल रॉस कहते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो, तो ब्लैक विडो उसका आंसर ना देते हुए दूसरा पॉइंट पकड़ती है, मैंने बहुत सी जिंदगियां जी हैं और अब मैं अपने पास्ट से भाग नहीं सकती। और तभी एंट्री होती है ब्लैक विडो की एक हाउस में, और जहां तक मुझे लगता है ये तो ब्लैक विडो का ये पर्सनल हाउस है। ब्लैक विडो को अपनी पुरानी यादें याद आ गई होंगी, और या फिर ये उसका वही ट्रेनिंग हाउस है जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के में ब्लैक विडो के विजन में दिखाया गया। जैसे ही ब्लैक विडो यानी कि नताशा रोमानॉफ घर के अंदर घुसती है तो अंदर से एक आवाज़ आती है, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगी। तो ब्लैक विडो रिप्लाई करती है कि मुझे पता था कि तुम्हें पता है कि मैं ज़रूर आऊँगी, तो क्या हम बड़े बच्चों की तरह बात करें। फिर उसके बाद दोनों जो लड़कियाँ हैं, ब्लैक विडो और एक अनदर लड़की, वो एक दूसरे के ऊपर गन एम की रहती हैं। और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में गन एक्सचेंज होती है, जो कि विडो स्टाइल में होती है। फिर उसके बाद छोटी लेकिन बहुत थ्रिलिंग एक्शन फुल फाइट सीन देखने को मिलता है दोनों लड़कियों के बीच। फिर उसके बाद ब्लैक विडो कहती है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा सिस। तो इस सीन से हमें पता चलता है कि शायद ये बहन है ब्लैक विडो की। और फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है वापस टीम अप ये दोनों का, और ये दोनों एक बाइक में जाती रहती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो ब्लैक विडो की याददाश्त वापस आ चुकी है, या फिर ये उस टाइम की है जब विडो की याददाश्त गई ही नहीं। वो लड़की पूछती है ब्लैक विडो से कि तुम घर वापस क्यों आई, तो ब्लैक विडो कहती है कि मेरा कुछ हिसाब बाकी रह गया है। और फिर यहीं के बीच हम लोग को एक सीन देखने को मिलता है ब्लैक विडो के एकदम नए सूट का, जो कि ब्लैक कलर में है और ये कुछ आर्मर टाइप का लग रहा है, बट ये आर्मर होगा नहीं क्योंकि स्पाइस आर्मर नहीं पहनते। और फिर उसके बाद इसी के बीच हम लोग को एक और सीन देखने को मिलता है जिसमें ये लड़की और ब्लैक विडो दोनों एक ही बाइक पे रहते हैं और रन अप लेते रहते हैं बाइक से। और फिर उसके बाद ब्लैक विडो कहती है कि हमें वापस से वहीं जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। फिर उसके बाद ब्लैक विडो का वाइट वाला सूट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी लिटरली काफ़ी औसम है। और इन सब फिर उसके बाद ट्रेलर आगे बढ़ता है घर के अंदर के सीन से, और यहाँ पे एक बॉय भी इन्हें ज्वाइन करता है, बॉय नहीं बोलूँगा एक मैन भी इन्हें ज्वाइन करता है, जो कि काफ़ी मोटा सा रहता है, दाढ़ी रहती है। और फिर ये अपना सूट वापस से पहनता है और कहता है कि अभी भी ये मुझे फिट हो रहा है।
फिर एक लड़की बोलती है कि तुम बस थोड़े मोटे हो गए हो। तो ये इनकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद इनका वापस से सूट अप होकर फाइट देखने को मिलता है। वो बॉय किसी एक व्यक्ति के साथ लड़ता रहता है। फिर उसके बाद एक बहुत ही लिटरली जी फार सीन देखने को मिलता है हम लोगों को, जो कि प्रूफ कर देता है कि मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के VFX काफ़ी ऑसम है, लिटरली काफ़ी ऑसम है। इस सीन में ब्लैक विडो जंप करती है, शायद हेलीकॉप्टर से जंप करती है हेलीकॉप्टर से जंप करती है। फिर उसके बाद इसके पीछे कुछ गुंडे पड़े रहते हैं जो कि शायद टास्क मास्टर के एकेडमी के बंदे होंगे जो कि ब्लैक विडो के पीछे पड़े हैं, या फिर कोई किसी और केस के एनिमीज होंगे जो कि ब्लैक विडो के पीछे पड़े हैं। और इस सीन में ब्लैक विडो डाइव करती है एयर में, जो कि उड़ने के बराबर लग रहा होता है। और ये ट्रेलर वाला सीन तो काफ़ी एंड भी आया था, और ब्लैक विडो का लोगो देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम था भाई, मैं तो इसका भी फ़ैन हो गया। और तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से ज़रूर लाइक करना, वीडियो को कमेंट करके बताना कैसा लगा। और हाँ, अभी इस ट्रेलर से रिलेटेड कुछ हिडन फैक्ट्स जो कि मुझे आगे पता चलेंगे या फिर अभी पता चल गए हैं, तो उन सब की वीडियो इसी में 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा। तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि वो वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो सब्सक्राइब करना प्लीज़, ज्वाइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो।